कार्यकर्ता से एक दरोगा के द्वारा अभद्रता की गई थी, जिसके विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया और दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। जालौन के कौन सर्कल के केलिया थाना क्षेत्र के पिपरी तिराहे पर केलिया थाने के दरोगा अभिषेक सिंह के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ता से अभद्रता और मोबाइल तोड़ने के मामले में बजरंग दल के नगर संयोजक आकाश उदेनिया सहित दर्जनों कार्यकर्ता कुंच तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और अभद्रता व मोबाइल तोड़ने वाले दरोगा के खिलाफ सीओ कोच से कार्यवाही की मांग की। बता दें कि बजरंग दल के नगर संयोजक आकाश उदेनिया ने बताया, विगत 10 जुलाई को रात्रि करीब 12 बजे समथर से कोच आ रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक प्रजापति और सुमित पांडे के साथ पिपरी तिराहे पर चेकिंग के दौरान केलिया थाने के दरोगा एवं जगनपुरा चौकी प्रभारी अभिषेक सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई और गाली गलौज व मारपीट व मोबाइल तक तोड़ने धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने सीओ से कार्यवाही की मांग की है। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में शिवम वर्मा, गौरव सोनी, अमित कुशवाहा, प्रदीप राठौर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरिओम बुधौलिया, जालौन, समाचार 24। किन मांगों को लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? ये 10 तारीख को रात्रि को कार्यकर्ता संतर से लौट रहे थे पिपरी त्राया पर। अभिषेक सिंह जगनपुरा चौकी इंचार्ज ने रोक लिया। कार्यकर्ताओं के कागज दिखाने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, अभद्र भाषा का प्रयोग, मोबाइल उठा के तोड़ दिया और गाड़ी उठा के सीज कर दी। दोनों कार्यकर्ता रात को 12 बजे पिपरी से अकेले आए। उन कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटित हो सकती थी, इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होता। इसको लेकर हम बजरंग दल पहुँच नगर इकाई ने ज्ञापन संबोधित किया। उपजिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन संबोधित पुलिस महानिदेशक को करेंगे सीओ क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि अभिषेक सिंह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और हमारे कार्यकर्ता की जो गाड़ी पकड़ी गई है उस गाड़ी को छोड़ा जाए, नहीं तो हम लोग इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहेंगे, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन व आला अधिकारी होंगे।